आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 मोस्ट इन डिमांड स्किल्स फॉर फ्रीलांसर। इन पांचों स्किल्स में से अगर आप कोई एक भी सीख लेते हैं तो आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। क्या फ्रीलांसिंग में सच में पैसे कमा सकते हैं? तो हाँ, अगर आपके पास में स्किल है, क्वालिटी है और आप समय पे काम को डिलीवर करते हैं तो इसमें आप पैसे कमा सकते हो। तो पांच स्किल कौन सी है वो बताऊंगा, और एक बोनस स्किल और है जिसमें अगर वो आप सीख लेते हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये पर प्रोजेक्ट के आप ले सकते हो। वो आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। नंबर 1, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप अभी के समय में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखोगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद में आप फ्रीलांसिंग वर्क करके पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, इलस्ट्रेशंस, टी शर्ट डिज़ाइन, ये सारा काम इसमें कर सकते हो। ब्रोशर, फ्लायर, ये सारा काम इसमें होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद में उससे रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हो। अगर आप फाइबर पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के 1,000 रुपये से तो ज़्यादा ही ले रहे हैं, 1,000, 3,000, 5,000 लोगो डिज़ाइन के ले रहे हैं, कोई बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, ये टी शर्ट प्रिंटिंग वाला भी है, देखो 4.9 स्टार इसकी रेटिंग है, 2,000 रुपये पर टी शर्ट के लेता होगा केवल एक टी शर्ट पे लोगो डिज़ाइन करने का, प्रिंट लगाने का। बहुत सारी स्किल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी, तो आप किस में बेस्ट हो सकते हो, जैसे कि थंबनेल डिज़ाइन आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिनको थंबनेल बनाना आता है वो फ्रीलांसिंग में अच्छा पैसा कमा सकता है। नंबर 2, AI सर्विसेज। इसमें आप चैटबॉट, कंटेंट राइटिंग, ये सारा आप काम कर सकते हो। चैटबॉट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे हाई पेइंग स्किल समझ लो, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि 7-8 हज़ार रुपये से तो किसी में भी कम नहीं ले रहे हैं। ये जो फ्रीलांसर है ये 34,000 ले रहा है। ये क्या करके देगा, ये वेबसाइट पे एक चैटबॉट बना के देगा, वेबसाइट पे वो चैटबॉट ऑटोमेटिकली काम करेगा, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, इस पे ये चैटबॉट बना के देगा, AI पावर्ड होते हैं। तो देख लो कितने पैसे ले रहा है, ये लगभग 34,000 के आसपास, और इसके 55 इसके रिव्यूज़ भी है, यानी कि पैसे भी अच्छा ले रहा है, फाइबर चॉइस भी दे रखी है, गुड। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे सारा क्या कर रहे हैं, एक ये देखो वर्डप्रेस के साथ में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर रहा है, उसके पैसे ले रहा है ये 7,800 रुपये। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो इनके 2-3 पैकेजेस होते हैं अलग अलग, जल्दी काम करवाना है तो उसके पैसे अलग होते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग जो भी करते हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद में देखो आपको ये अलग अलग AI सर्विसेज मिलेंगी, कंटेंट राइटिंग भी होती है, अलग अलग काम है। तो ये स्किल भी अगर आप सीख लेते हो तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। AI की डिमांड तो आगे भी और होती रहेगी, अभी आप सीख लोगे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आपको हो जाएगा। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, IT सर्विसेज ग्रो कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत तो होती ही होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल पूरा दुनिया ही सोशल मीडिया चला रही है। तो आपकी जो ब्रांड है, वो कंपनी है, वो किस कोने में है, उसको सब लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। उसके लिए यहाँ पे अगर कोई फ्रीलांसिंग से लिखता है और वो क्लाइंट्स के लिए काम करता है तो फिर डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, रिसर्च करना, उसके बाद में कुछ डिज़ाइनिंग का काम करने के बाद में एड्स चलाना, ROAS जनरेट करना, ये सारा काम होता है। सोशल मीडिया मैनेज करना, टाइम पे पोस्ट करना, शेड्यूल करना, ये सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। तो थोड़ा डीप अगर नॉलेज लेना है तो आप फाइंड कर लो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीख सकते हो, वो आप खुद से देख सकते हो। ये भी मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। उसके बाद में आते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर आता है 2D एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ये सारा आता है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि लगभग 2-4 हज़ार रुपये से तो ज़्यादा ही आपको पर प्रोजेक्ट के लेने वाले मिलेंगे, और इन प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 1 से 2 दिन लगते हैं। अगर 1 से 2 दिन में अगर 2,000 कमा रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बड़ा अमाउंट है। फाइबर पर आप देख सकते हो 2D एनिमेशन के कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि ये है देखो, ये वीडियो बनाने का कितना पैसा है, लगभग कि 4,000 रुपये ले रहा है। अब इसके देखते हैं कि इसमें कितना टाइम का ये वीडियो बना के देगा। अब जैसे ये वाला आप देख सकते हो, ये 2D एनिमेशन बना के आपको देगा, क्योंकि ये इसकी 4.9 स्टार रेटिंग है और काफ़ी फेमस है। तो ये आपको क्या दे रहा है देखो, 15 सेकेंड का वीडियो बना के दे रहा है, और इसका प्राइस कितना है, 4,000 रुपये 15 सेकेंड का वीडियो बनाने का।
स्टैंडर्ड प्लान 10,000 का, 30 सेकंड का वीडियो बनाने का 10,000, प्रीमियम वीडियो बनाना है तो उसका देखते हैं, चलो ये देखो 13,000 रुपये 45 सेकंड का, यानी कि हर सेकंड का पैसा इसमें ऐड होता जा रहा है। 2D एनिमेशन भी एक मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल है, इसको अगर आप सीख लेते हो तो फाइबर से पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप घर बैठे काम कर सकते हो। 2D एनिमेशन के बारे में बताया, अगर आप 2D एनिमेशन सीखना भी चाहते हो तो मैं उसके कोर्सेज भी करवाता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने सारे डेमो दे रखे हैं, क्या पढ़ाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, स्टूडेंट के रिव्यूज़ वगैरह वो सारे मैंने दे रखे हैं। तो अगर आप 2D एनिमेशन सीखना चाहते हो घर बैठे तो मेरा कोर्स एनरोल करके सीख सकते हो। कंप्यूटर लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 8GB रैम अगर आपके PC लैपटॉप के अंदर है तो आप ये स्किल सीख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दूंगा, उनको देखकर सीखना है। सपोर्ट के लिए व्हाट्सअप चैट सपोर्ट दे रखा है जिससे आप मदद ले सकते हो। 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने सीखोगे तभी आप एनिमेशन कर पाओगे, और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई भी कोर्स किसी काम का नहीं है। जब तक जैसे एनिमेशन इसके लिए कि आर्ट है, तो अगर आप ये स्किल सीखना ही चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप मेरे इस वेबसाइट पर चेकआउट करें और कोर्स को एनरोल करके सीखना शुरू करें। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो स्किल है नंबर 5 पर, वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग मोस्ट इन डिमांड स्किल है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइबर पर वीडियो एडिटिंग के चार्जेस दे रखे हैं, जिसमें कि कोई 5 मिनट का वीडियो बना रहा है, कोई 4 मिनट का वीडियो बना रहा है, सबके अलग अलग यहाँ पे चार्जेस हैं। तो आप अगर वीडियो एडिटिंग भी सीख जाते हो तो इससे भी आप घर बैठे फ्रीलांसिंग वर्क करके पैसे कमा सकते हो। इसके बाद में अगर मैं आपको एक बोनस स्किल और बताऊंगा, वो बता देता हूँ। उससे पहले आप ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। नंबर 6, ये है लैंडिंग पेज डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लैंडिंग पेज डिजाइनिंग जो स्किल है, जिनके पास में ये, वो घर बैठे पैसे कमा सकता है और 5,000 रुपये पर प्रोजेक्ट से ज़्यादा ही लेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ 7,000, 8,000, 10,000 यही लैंडिंग पेज डिज़ाइन का चार्ज है। लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में फ़र्क ये होता है कि वेबसाइट डिज़ाइन में तो टेम्पलेट्स आते हैं, उनको वो यूज़ कर सकते हैं। लैंडिंग पेज के अंदर आप फुली कस्टमाइज्ड, जैसा पेज आपको चाहिए, जैसा जिस जगह पे फुटर बनाना है, जिस जगह पे लोगो लगाना है, टेक्स्ट कहाँ पे लगाना है, वीडियो कहाँ पे लगाना है, एक पेज के हर कोने पे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसलिए इस स्किल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लोग अगर लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको घर बैठे काम मिल सकता है, 7-8 हज़ार पर प्रोजेक्ट के मिलते हैं। एक लैंडिंग डिज़ाइन पेज को डिज़ाइन करने में लगभग आराम से 2 से 3 दिन लगते हैं। 1 महीने में आप आराम से 50 से 70 हज़ार तक अर्न कर सकते हो। ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्किल है, लेकिन जिनके पास में नॉलेज नहीं है उनके लिए ये काम की नहीं है। तो अगर आप चाहो तो पहले ये चीज़ सीख लो, उसके बाद में आप लैंडिंग पेज डिज़ाइन का वर्क शुरू कर सकते हो। ये 2024 से लेके 2050 तक भी ये स्किल हमेशा काम की होगी। शॉपिफाई जैसे पेज, उनमें डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लैंडिंग पेज होते हैं, लेकिन अगर किसी को कस्टमाइज्ड करना है, अलग से जैसा चाहिए वैसा करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आज मैंने आपको टॉप 5 इन डिमांड स्किल्स बताई और साथ में एक बोनस स्किल भी बताई। जिनको मेरा ये जो वीडियो वो समझ में आ गया है तो उनको पता चल गया होगा कि किस में अर्न कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाओ ताकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस रोज़ाना देखने को मिल सके।